सायान मेहनत खर्च अखराजात मेरे मालिक अपने दरबार मंजूर ते मकबूल। जेडे बुजुर्ग बीमार हैं सदका बीमारे करबला दा मालिक शफाए कुल्ली अता फरमा। जेडे मोमिनीन मकरूज हैं सदका इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम दी बेगुनाह कैद दा मालिक कर्ज दे अदा करन दी सबील पैदा फरमा। जड़ियाँ जोड़ियाँ बे औलाद हैं सदका बाबुल हवाई सरकार अली असगर अलैहिस्सलाम दा उन्हें गोदन मेरे मालिक आबाद फरमा। मेरे मालिक जड़े हजू ज़ियारात का इरादा रख दिन सदका मुहम्मद वाले बैत मुहम्मद की इज्जत ते अजमत दा मेरे मालिक उन्होंने इरादे जल्द पूरे। माशर दे दिहाड़े दा अमन पंजा बारह का हो असा गुनहगार हो मेरे मालिक साढ़े हकीकी वारिस बादशाह दा ज़हूर जल्द। जितने बुजुर्ग इस जहान फानी तो टुर गए खसूसन भट्टी बरादरान और बाबा जी दे जितने इमाम अली शाह साहेब दे खानवाद दे जितने बुजुर्ग जहान छोड़ गए सारे मोमिनीन वद्दी बुलंदी दर्जात वास्ते फातिहा बिस्मिल्लाह। या रब्बल हुसैन बे हक्कल हुसैन इश्वे सदरल हुसैन बे ज़हूरल हुज्जत दुआई दी कबूलियत वास्ते बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। नारे तकबीर सारे बोलो यक ज़बान होके बोलो नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी सलाम हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद बर मोहम्मद वाले ही बलंतर सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काल अल्लाह तबारक व तआला फी किताब अल मजीद व फुरकान अल हमीद व वास्तक सादिकीन इन दीना इन दल्लाहिल इस्लाम सलवात ना जबाना मोत। मैं बुजुर्गान मिलत मौज सामीन इज्जत आए चेहरियां दे सामने कुरान करीम दी कैत करीमा तलावत करन दा शर्फ हासिल किया। सदके सदके सुभान अल्लाह। उस कुरान दी आयत पढ़िए जेड़ा खामोश होवे ते कुरान होंदा है बोले ता मुहम्मद होंदा है अली होंदा है। मालिक फरमाया दीन मैं अल्लाह दे नज़दीक इस्लाम है। सच्चे सच्चे जेड़े कल दी मजलिस तशरीफ फरमाएं मैं गुजारिश कीती है अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदे पंजां दा सदका जो कुछ अता किया है वह पंजां शक्लां च किया है। पहली शक्ल है ईमान दूजी शक्ल है जान तरीजी शक्ल है माल चौथी शक्ल है अकल पंजवी शक्ल है नस्ल। तो वत गल इत्थे पहुंची आई जो कुल्ले ईमान अली है अली नाल मुहब्बत होवे ते बंदे दा ईमान होंदा है अली नाल अदावत होवे ते ईमान दी रत्ती नहीं होंदी। उसे बेईमान नहीं होंदा कुछ होर होंदा है। इत्थों तई गुजारिश अर्ज की आई अली कुल ईमान है अली कुल ईमान है अली दे मुकाबले च जेड़ा आया है जदा आया है जिमें आया है फना ते बर्बाद हो गया। ये अज की गल नहीं नबियां दे सुल्तान दे
बादशाह दे बिल्कुल करीब दा वक्त है। जो कुछ बंदे हैं इस्लाम इंज हीट दिती तवज्जो कर सो तो लुत्फा सी, कुछ बंदे हैं इस्लाम एडी हीट दिती जो उन्हें आख्या अली दीन तो खारिज हो गया। जिन्ह की तारीफ ते नज़र है, ये जड़े खारजी है ना, खारजी कोई डिक्शनरी उठाओ उद विच खारजी का लिखा हो सी खवारज, खारजी की जमा अगे लिखे हो सी अली दे दुश्मन, जड़े जागते पे हो पिछे लिखे हो सी खवारज, कोई डिक्शनरी उठा लो खवारज, अगे लिखे हो सी खारजी की जमा, अगे ब्रैकेट लिखे हो सी अली अलैह सलाम दे दुश्मन। ये खारजी किस दौरे चो इन, ये नबी दे दौरे चो इन, सरकार ये सरकार खत्मी मरतबत दे दौरे चो इन, और पाक बादशाह इन्हां दी आप निशानदेही की। बादशाह फरमाया ये नमाजा दुनिया तो ढेर पढ़ सन, ये नमाजा दुनिया तो ढेर पढ़ सन, रोजे दुनिया तो ढेर रख सन, हजा दुनिया तो ढेर कर सन, इन्हां दा जो जहर हो सी वो बातन ना हो सी। इन्हें आख्या अली दीन तो खारिज हो गया है। तवज्जो नियाज़े हुसैन, अली अलैहि सलाम दीन तो खारिज हो गए। इन्हें एक नारा दिता ला हुक्म इल्ला लिल्ला, जिसका तर्जमा यह है जो अल्लाह दे सिवा कोई हाकिम नहीं। जड़े तवज्जो च बैठे हो, ला हुक्म इल्ला लिल्ला, अल्लाह दे सिवा कोई हाकिम नहीं। बादशाह अली अलैहि सलाम फरमाया इन्हां दी गल ठीक है, इन्हां दे दिल ठीक नहीं। तवज्जो तवज्जो, इन्हां दी गल ठीक है, ला हुक्म इल्ला लिल्ला, बादशाह फरमाया इन्हां दी गल ठीक है, तवज्जो इन्हां दी गल ठीक है, इन्हां दे दिल ठीक नहीं। जे इजाजत दो तो मैं पंजाबी च इसका तर्जमा करा। बादशाह अली अलैहि सलाम फरमाया इन्हां दी गल ठीक है, इन्हां दे दिल ठीक नहीं। इसका पंजाबी तर्जमा करो तो यह बनता है, मौला फरमाया इन्हां दी गल नहीं सट्टण आई, नन दो दो सट्टण आई हैं। दाड़ियां जिंदगी दड़िया जिंदा दराज हो, और इो होया बादशाह फरमाया जिंदगी दराज होवे। बादशाह फरमाया ला हुक्म इल्ला लिल्ला, बात ठीक है, इन्हां दी गल ठीक है, इन्हां दे दिल नहीं ठीक। पंजाबी तर्जमा यह बनता है इन्हां दी गल नहीं सट्टण आई, इन्हां दी सारी तादाद आई 5000, 4996 वासले जहन्नम हो गए। तवज्जो, 4 नस गए ते उन्हां नस्यां ओ नुकसान कीता है। अज उम्मत मुस्लिम जितना फसाद है ना वो उन्हां चाहुंदा है। जिंदगी दराज होवे, आबादु सलामत हो। अली अलैहिस्सलाम दे सामने एक बंदा आया, या अली, मेरे मौला फरमाया जी या अली खलके अव्वल कौन है? सदके सदके। मेरे मौला इस पास से वेख के मुस्कराए। बादशाह अली अलैहिस्सलाम फरमाया तेरे नज़दीक खलके अव्वल कौन है? हाय हाय हाय। आदे मेरे नज़दीक खलके अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इदी जबान तो लफ्ज़ आदम ने कहे, तबस्सम मेरे मौला दे चेहरे अकदस दा तवाफ कीता। दुआडा और मेरा मुस्कुरावना आम है, अली दा मुस्कुरावना आम नहीं। अली अल्लाह दी जहान च ओ हस्ती है जै ना दुनिया मंगी है ना आखरत मंगी है। तवज्जो, ना दुनिया मंगी है ना आखरत मंगी है। दुनिया क्यों नहीं मंगी मेरे मौला? सारी दी सारी दुनिया अली दे मियार तो पस्त है।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਪਸਤੇ। ਆਖਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਲੀ? ਆਖਰਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਖਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਹਾ ਆਹਾ ਹੈਦਰੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਖਰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। 73 ਫਿਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਨਤ। ਇੰਝ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਾਈਦ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 73 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ? ਜੰਨਤ। ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਹੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਲਿਕ ਦੋ ਜਹਾਂ ਫਰਮਾਏ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਸੂਰਾ ਮਰੀਅਮ, ਤਿਲ ਕਾ ਜੰਨਤ ਉੱਲਤੀ ਨੂਰਾ ਸੁਮਿਨ ਇਬਾਦਨਾ ਮਨ ਕਾ ਨਾ ਤਕੀਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਆਇਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੰਨਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲ ਸੀ। ਜੰਨਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਕੀ ਉਹ ਸਨ। ਜੰਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ, ਮਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਕੀ ਹੋ ਸਨ। ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਡੀਂ ਉਹ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋਲ ਬਹਿ ਸਨ। ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਸਾਕੂ ਜੰਨਤ 'ਤੇ ਘਿਨਾ ਦੇ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਵੇ, ਜੰਨਤ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਆਓ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੀ, ਇਮਾਮ ਉਲ ਮੁਤਕੀਨ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਰ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੋਮਿਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਤਕੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ, ਇਮਾਮ ਉਲ ਮੁਤਕੀਨ, ਕੋਈ ਮੋਮਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤਈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਤਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤਈ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੀ, ਇਮਾਮ ਅਲ ਮੁਤਕੀਨ ਅਲੀ, ਮੋਮਿਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਤਕੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਮਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤਵੱਜੋ, ਤਵੱਜੋ, ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੀ, ਮੋਮਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਮੁਤਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਹੈਦਰੀ, ਮੁਤਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਬਾਤ ਇਸ ਜਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ 'ਤੇ, ਖਲਕੇ ਅਵਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਲਕੇ ਅਵਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਲਫਜ਼ ਆਦਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤਬੱਸਮ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਕਦਸ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਇੰਜ ਨਿਕਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਏ, ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸੁਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਖਾਲਕਾ ਆਦਮ ਮਿਨਤੀ ਨੇ ਵਤੀ ਨੇ ਮਿਨਲ ਜ਼ਬਦੇ ਵ ਜ਼ਬਦ ਮਿਨਲ ਮੌਜੇ ਵ ਮੌਜੇ ਮਿਨਲ ਬਾਹਰੇ ਵ ਬਾਹਰੇ ਮਿਨਲ ਜ਼ੁਲਮਤੇ ਵ ਜ਼ੁਲਮਤੇ ਮਿਨਲ ਨੂਰੇ ਵ ਨੂਰੇ ਮਿਨਲ ਹਰਫੇ ਵ ਹਰਫੇ ਮਿਨਲ ਆਯਤੇ ਵ ਆਯਤ ਮਿਨਲ ਸੂਰਤੇ ਵ ਸੂਰਤੇ ਮਿਨਲ ਯਾਕੂਤੇ ਵ ਯਾਕੂਤੇ ਮਿਨ ਸ਼ੈ ਸੂਰਤ ਮਿਨਲ ਯਾਕੂਤ ਵਾ ਯਾਕੂਤ ਮਿਨਲ ਸ਼ੈ ਵਾ ਸ਼ੈ ਮਿਨਲ ਲਾ ਸ਼ੈ ਵਾ ਲਾ ਸ਼ੈ ਮਿਨ ਮਸ਼ੀਅਤੁਲਾਹ ਵਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾਹਨੋ ਮਸ਼ੀਅਤੁਲਾਹ ਹੈ। Yo.
इज्जत आई शरीफ हाँ मिट्टी ते बह के रोंदे इस वास्ते आए जो जय मालिक के दोवे जहान बनाया है उस इज्जत ते फजीलत देवने च कोई कमी नहीं छोड़ी। रोंदे इस वास्ते आए जेड़ी कमीनी उम्मत जेको नबियां दे सुल्तान फरमाया हा जो मेरी आल दी मोहब्बत दीन दा जरे तेरा ते मेरा रत रोवण वाला इमाम फरमेंदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम फरमेंदे अल्लाह ते साडी मोहब्बत दा हुक्म दित्ता ना मातम दा जुमला है बादशाह रत रो के पै फरमेंदे अल्लाह ते साडी मोहब्बत दा हुक्म दित्ता है बादशाह फरमेंदे ने अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत साडी अदावत दा हुक्म दित्ता होवे आ ना साडे नाल दुश्मनी करन दा हुक्म दित्ता होवे आ वत ये कमीनी उम्मत इस तो ज्यादा ना कर सकिया जो कुछ ना मोहब्बत दे हुक्म ते कीता है। सदके आबाद रहे दुनिया दे किसे दुख च ना रोवे जो कुछ इन्हें मुहब्बत दे हुक्म ते कीता है बादशाह फरमेंदे ने इस तो ज्यादा ना कर सकेना अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अदावत दे हुक्म दिता होवेया। अली दरवाजे ते आए हसनैन दी माँ मुसल्ले ते बह के आदि पई है बाबा ओ मेरा नबियां दा सुल्तान बाबा बाबा ओ मेरा खातिमुल मुरसलीन बाबा रो रो के आदि पई है बाबा मैं सुनया है तेरे जनाजे च कुल नौ बंदे आए आ मातम दा जुमला हा अल्लाह जाने मैं समझा नहीं सकिया जिदे वास्ते अल्लाह दोवे जहान बनाया है उस बाबे दे नां ते बैन करके मेरी मखदूमा सैन आदि पई है बाबा मैं सुनया है तेरे जनाजे च कुल नौ बंदे आए सदके आबाद रहे। अली दरवाजे तो दाखिल होए मेरी सैन ताजीम वास्ते उठन लगी है अली अमीरुल मोमिनीन फरमाया हसनैन दी माँ ताजीम दा वेला गुजर गया है उजड़न दा वेला आ गया है क्यों या अली मुसलमान आ दिन बतूल आप दरबार आवे मुसलमान आ दिन बतूल आप दरबार आवे ये गल सुनी मेरी सैन या अली तुसां ते जान दे हो मेरा पर्दा हज दे तवाफ दी अहमियत रखता है या अली मैं एक बार पहले गई आए अगो बाबा हाँ पिछू तुसां आवे सजियो हसन आ खबियो हुसैन आ जिन्हां दे पासे मैं गई आए वो मेरी बानी दे पुत्र दी उम्मत आई ईसा अलैहि सलाम दी उम्मत वो मेरी बानी दे पुत्र दी उम्मत आई सन जांदियां वेख के ना एक बंदे ने आख्या ने उच्ची जा ते चढ़ के वेख मुहम्मद नाल चोखा काफला पिया आंदा है इस उच्ची जा ते चढ़ के डिठा मेरे बुरके ते निगाह पई आएस भाज के पिछे वल गया जाके पादरी ना ख्यास पटका लाहा के गल च पा अंजील सर तेरा के माफी मांग नाल दी पैया दी सदके आबाद रहे दुनिया दे कहीं दुख च ना रोवे अंजील सर तेरा के माफी मांग मोहम्मद दे नाल दी पैया दी है मखदूमा फरमाया साढ़े पहुँचन की देर आई हाथ जोड़ के खड़ गया इन आख्या ने नबियां दा सुल्तान तू ही सच्चा है तेरा दीन ही सच्चा है माफ़ी मंगदे आए जजिया देंदे आए साडे ते मिन्नत ला धी ते पुत्रां तो पुछ दे इत्थे आंदियां ते खड़दियां थकते नहीं पए मां हुसैन दी राजी होवे इत्थे आंदियां ते खड़दियां थकते नहीं पए अली अमीरुल मोमिनीन उच्चा रुन्ने ने एक गल सुन के कदम ते हाथ ला के सैन पूछे या अली एडा उच्चा क्यों पे रोंदे हो अली अमीरुल मोमिनीन फरमाया हसनैन दी माँ मैं आवन आई हाँ नस्लां दी किस्मत नूं प्यार होना बीबी आदि इमाम जो है वजात ते कर नस्लां दी किस्मत नूं कीवें अली दियां अखी वसदियां पईयां हन ते रो के फरमेंदे पईयां हन हसनैन दी माँ अज अगर तैं हक ना मंगिया अज अगर तैं हक ना मंगिया कयामत तक आवन आईया धियां दा हक मारिया वैसी यारी जे जरूर वजना है ते कंबर नू दरवाजे ते छड्डो
कमर दरवाजे ते आया है ताक ते मत्थ रख गया द पे मखदूमा सैन हुक्म फरमा मखदूमा फरमाया कंबर बेरा मदीने दी हर गली च वंजे हर दरवाजे ते वंजे कुंडा खड़का के आखे नबी दी हकली ते दुखी धी पया दिए जिन्हन मेरे बाबे दे टुरन दा दर्द आपने परदादार मेरी हवेली भेजो। मदीने दी ढेर सारी आबादी आई इज्जत आई शरीफा कुल 70 मस्तूर टुर झुलिया दरवाजे तहीर अबूर करेंदियाँ आईन सर दे बुरके लहा के जमीन ते रख दियाँ आईन अदब दे कदम चुम के गल इको पुछ दिया इन क्या सच सैन तुसा दरबार वंजना है। मेरी सैन फरमाया सच साकू क्यों सडाई मेरी सैन फरमाया मैं बतूला ओ मुसलमान है मत कुर्सी ते बह के इशारा करके पूछे कित खड़ी है मोहम्मद दी धी सदके आबाद रहे दुख होवे ना ते सज्जन याद आंदे बिरा ते आ कोई ना उम्मे ऐमन दे मोढे ते हाथ रखिया है दूहां पुत्रां दा मत्था चुमिया मेरी सैन मत्था चुम के रो के आदि पई है मेरा लाल जुल्लो माँ दी सदाकत दी गवाही दे सामने बाबे दी कबर आई कबर ते खड़ने संगी जान पईए वैन कर के आ दिए बाबा दुआ मंगे दी आक मंगन पई वैंदी है नबियां दे सुल्तान दी कबर कंबीए कबर च वैन आया है बाबा दुआ करे नहीं शाला विरसा मिल पवी दरबार चाहिए मैं नहीं जानता एक घंटा दो घंटे या कितनी देर खड़ोती रही है मेरा अल्लाह गवाह है जद दरबार जाई आई सर देवाल काले आए जद वली है सर देवाल सफेद हो गए कमर नूर मानो झुक गई जिन्हा सत दी पहले आख्या हसबुना किताब अल्लाह हुण पया दिन कोई बाबे दा लिखिया आए कविका औखी तहरीर कढ़ीए पहली कुर्सी आए बंदे पढ़िए दूजी कुर्सी आए कुड़तीए दूजी कुर्सी आए पढ़िए तरी जी कुर्सी आए कुड़तीए मैं मर वंजा हाथ जुमला न पढ़ा बाबे दा लिखिया आ मस्जिद च फिरदा वदाए दी चुप करके डेली पई है अल्लमा अल्लमान एक बंदे तहरीर घिंदी है पहले दो टुकड़े वात चार टुकड़े वात कई टुकड़े करके जमीन ते सटी है इमाम हुसैन रवायत करेंदा है मेरी माँ एक टुकड़ा चैनी आई चुंदी आई अखी नाला के चादर ते रखदी आई जदों सारे टुकड़े जमी गए काट बना के मेरा मत्था चुम के आंदी आई हुसैन लाल गौर नाल वेख लवे लाशाएं जे चमेलियां ओ मेरा लाल मत कर भला कासिम दी लाश रोंदियां अखां नाल दुआ फरमाओ के मालक दो जहां बानियां ने अशरा हाजी खुरम अब्बास भट्टी मुदस्सर अशरफ भट्टी हाजी